Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस पाँच मिनट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई डू वी नीड सच काइंड ऑफ एक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाई जीट इन न्यू आखिर ये डिजिटल इंडिया एक्ट टू थाउजेंड में क्यों है जरा पहले जरा उसको समझते हैं देखिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया एक्ट टू के प्रपोज वर्जन का आउटलाइन प्रिपेयर किया है एंड इसे पब्लिक भी कर दिया गया है इस बिल को पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये तो अभी क्लियर नहीं है बट ये जरूर क्लियर है कि ये एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड को रिप्लेस कर देगा तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिजिटल इंडिया एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के जो प्रोपोज वर्जन है उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई डू नीड सच काइंड ऑफ एक्ट हमें डिजिटल इंडिया एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जैसे एक्ट की जरूरत क्यों है इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल इंडिया एक्ट टू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते थे कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बात करें तो डिजिटल इंडिया एक्ट चार सूत्री कानून होगी जिसमें डेटा प्रोटेक्शन नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंडियन पिनल कोड या जो डिजिटल इंडिया है उसे पूरी तरह से कवर किया जाएगा एंड इसके एम की अगर हम बात करें तो इसमें डिजिटल लॉ को बदलते जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग या फिर जो नीड्स ऑफ द कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो रूल्स होंगे उन पर फोकस किया जाएगा एंड जो ईजी एक्सेसिबल मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात की गई है इसमें ताकि जितने भी ऑनलाइन सिविल या जो क्रिमिनल ऑफेंसेज होते हैं उन्हें आसानी से रिजॉल्व किया जा सके इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारी बातें अभी क्लियर नहीं है फिर भी क्या है कि जो की कॉम्पोनेंट है अगर उसकी बात करें तो इसमें ओपन सेफ एंड जो ट्रस्टेड इंटरनेट है फॉर ऑल इंडियन को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट बताया गया है एंड इसमें जो इनोवेशन एंड जो टेक्नोलॉजी को सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है उन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बात करें तो कॉम्प्लेसिटीज़ ऑफ इंटरनेट को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टारगेट है इसमें एंड जो रेपिड एक्सपेंसन ऑफ द टाइप ऑफ़ इंटरमीडरीज हैं उन्हें मैनेज करना भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है क्योंकि रिसेंट सिनेरियो में आपने क्या देखा होगा कि जो इंटरमीडरीज हैं उनका नंबर बढ़ता चला गया है इंटरमीडरीज को अगर जरा ब्रीफ में हम समझें तो जस्ट लाइक आप बात करिए कि जो गूगल है या फिर फेसबुक है जैसे कि आप बात करते हैं जो आप यूज़ करते हैं तो गूगल हो गया फेसबुक हो गया नेटफ्लिक्स हो गई अमेजन प्राइम वगैरह हो गए सब क्या हो गया एक इंटरमीड्रेट के फॉर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप कुछ चीज़ें आप वहाँ पोस्ट करते हैं और बाकी सारे लोग उन्हें यूज करते हैं पढ़ते हैं देखते हैं तो ये क्या हो गया एक इंटरमीड्रेट के फॉर्म में काम करता है तो अगर अकॉर्डिंग टू हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो नया लेजिस्टिव फ्रेमवर्क बनाया गया है इसमें कॉन्सेप्ट को जो सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट है उसे फिर से रिकनसिडर करने की बात की गई है सेफ हार्बर क्या होता है उसे ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया है मींस अभी तक जितने भी सारे जो इंटरमीडिएट्स थे वो क्या होता था, था खुद के नॉम्स से रेगुलेट होते थे बट इस एक्ट आने के बाद आप समझिए कि इन्हें भी लॉ के अंडर काम करना होगा ये सारी बातें होने वाली है मीन्स आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी एक बार जब यह एक्ट बन जाएगा तो एक बार फिर से पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल ज़रा ये समझते हैं कि इंडिया में हमें इस तरह के कानून की ज़रूरत क्यों है वाई डू वी नीड सच

है जो कि करंट के कंडीशन को पूरी तरह से कवर नहीं करता है मीनस तेईस साल पुराने एक कानून है आप समझिए उस टाइम क्या नेशेंट कंडीशन थी कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रूल वगैरह बनाए गए थे बट लास्ट ट्वेंटी थ्री ईयर में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो डेटा प्रोटेक्शन वगैरह है उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज आ गई हैं दैट्स वाई हमें हमारे नेशन में इस तरह के कानून की जरूरत है ताकि जितने भी डेटा प्रोटेक्शन हो या जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो कमियाँ हैं उसे फुलफिल किया जा सके और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया की जो गोल है टू तक ये पॉइंट याद रखिएगा डिजिटल इंडिया गोल जो टू ट्वेंटी सिक्स तक है उसे अचीव करने के लिए हमें इस तरह की कानून की जरूरत है तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग